आज सुबह से शहर के पश्चिम क्षेत्र में अन्नपूर्णा रोड पर भगवा कपड़े पहने कांवड़ियों की कतार नजर आने लगी। बोल बम के नारों के साथ पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कांवड़ियों डमरू बजाते चल रहे थे और कुछ कांवड़िए बैंड पर नाच रहे थे। शहर की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा बाणेश्वर कांवड़ यात्रा कल रात इंदौर पहुंची। द्वारका गार्डन में हुई भजन संध्या में कांवड़ियों ने कल रात देर तक नाचते गाते रहे। शहर के राजनीति और धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी बड़ी संख्याओं में कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने पहुंचे। आज सुबह 9 बजे से यह कांवड़ यात्री कन्याओं का पाद पूजन करने के बाद द्वारका गार्डन से रवाना हुई, जिसमें आगे आगे बैंड बाजे के साथ भजन मंडलियां भी थी। यात्रा अन्नपूर्णा मंदिर पहुंची, जहां अन्नपूर्णा माता को चुंदरी चढ़ाकर अच्छी बारिश की सुख समृद्धि की कामना की। कांवड़ यात्रा में 5,000 कांवड़ियां शामिल हैं, जिनका नेतृत्व गोलू शुक्ला कर रहे हैं। यात्रा में झांकियां भी सम्मानित की गई हैं, जिसमें भोलेनाथ का अभिषेक, हनुमान जी की आकर्षक प्रतिमा सम्मानित की गई है। यात्रा 29 जुलाई को उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल का अभिषेक करेगी। यात्रा प्रभारी दीपेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रियों को एक एक डमरू दिया गया था, जिसको वो बजाते हुए चले आ रहे हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.